मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, प्रभाव यानी इफेक्ट। कहने का मतलब है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ये बताया गया है। इसके विषय में सबसे पहले किसने कहा था? ऑस्ट्रेड ने कहा। इसके विषय में सबसे पहले ऑस्ट्रेड ने कहा था, एक प्रयोग के द्वारा दिखाया था कि चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। अब ऑस्ट्रेड पर जाने के पहले सबसे पहले तो हम जानें कि मैग्नेट, मैग्नेट है क्या, चुंबक होता क्या है, है ना। मैग्नेट लोहे का वह टुकड़ा है जिसमें डायरेक्शन का गुण होता है, ठीक है। डायरेक्शन का गुण होता है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। एक छोटे से लोहे के टुकड़े को मान लो कि हम यहां लिखते हैं मैग्नेट, मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब क्या हुआ? चुंबक, चुंबक। इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज होता है? इसकी प्रॉपर्टीज अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ? गुण। इसका क्या क्या गुण होता है चुंबक, क्या 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 गुण होता है? कोई वस्तु को मतलब कोई मेटल पैटर्न इसमें क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसका अट्रैक्शन ऑफ एनी एनी क्या दोगे, मैग्नेट, आयरन पीस, आयरन पीस, आयरन पीस, किसी भी लोहे को, लोहे के टुकड़े को, टुकड़े को क्या करता है? आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, सबसे पहला, ठीक है। दूसरा चीज मान लो कि ये चुंबक है, मैग्नेट है, चुंबक है। इसमें दो पोल होता है, कौन कौन? नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये मान लो चुंबक है, मैग्नेट है, चुंबक है ना। एक नॉर्थ होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। एक नॉर्थ और एक साउथ, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, है ना। तो इसमें सब दूसरा गुण क्या है, ये तो पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी सेम पोल यानी समान ध्रुव, समान ध्रुव। अगर एक समान नॉर्थ से नॉर्थ ले जाओगे, कभी कभी तुम देखते होगे दो मैग्नेट लो और इसको यहाँ पे रख दो, मैग्नेट लेकर यहाँ रख दो और एक मैग्नेट लाओ तो अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। ये पकौड़ी लाल बुद्धा कहाँ खोया हुआ है, तुम आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। और दूसरा, कभी कभी यहाँ रखोगे तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ाओगे वो भागेगा, है ना। ये कहता है कि तू चल, ये कहता है कि मैं आई, ये आगे आगे भागता है, पीछे पीछे खरीदता है, नहीं खरीदता है। जैसे कुछ लड़का होता है जब स्कूल के लिए निकलेगा तो जैसे जैसे आगे लड़की सब जाएगी वैसे पीछे पीछे उसको स्कूल तक पहुंचाएगा और फिर स्कूल से उठा के चौक तक पहुंचाएगा, पहुंचाता है कि नहीं, पीछे पीछे जाएगा, घंटी मारेगा, घंटी मारेगा, बुझता है कि हमको बनिया न लगे। तो सेम पोल क्या होगा, सेम पोल क्या होगा, रिपल्सन होगा यानी विकर्षण। इसका हिंदी क्या होता है? विकर्षण। और डिफरेंट पोल क्या होगा? अट्रैक्शन। डिफरेंट पोल असमान ध्रुव, असमान ध्रुव, असमान ध्रुव रहेगा जैसे नॉर्थ और साउथ, क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, क्या होगा? अट्रैक्शन, 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 ठीक है, यानी आकर्षण, आकर्षण, ठीक है। यहां तक तो बात आपके समझ में आई या नहीं आई, बोलिए। नहीं समझ में आया,
अब देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, एक आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल। मैग्नेट दो तरह का होता है, एक आर्टिफिशियल होता है और एक ये जो चुंबक है कितने तरह का, देयर आर टू टाइप्स, कौन कौन? आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल। नेचुरल इसका मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक, प्राकृतिक जो हमें प्राकृतिक से पाया जाता है, मिलता है, जो प्राकृतिक से पाया जाता है वो अनशेप होता है, वह क्या होता है अनशेप, यानी उसका रेगुलर शेप नहीं होता है, टूटा भागा मने गोटेर मोरीटेर डांटेर ये सब होता है, ठीक है। और मानव निर्मित, आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ, मानव निर्मित, मानव निर्मित जो होता है वह कैसा होता है, वह सही ढंग से बनाएगा, जैसे एक छड़ चुंबक, छड़ चुंबक किसको कहा जाता है, एक सीधा सा चुंबक नॉर्थ एंड साउथ, एक नल चुंबक होता है, देखो ये क्या हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, ये नॉर्थ और साउथ जो है, नॉर्थ और साउथ ये क्या हुआ? इसको क्या कहते हैं, छड़ चुंबक। और ये घोड़े के नाल की तरह होता है, ऐसे एक तरफ नॉर्थ होगा एक तरफ साउथ होगा, इसको हम क्या कहते हैं, नाल चुंबक, चुंबक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होता है, विद्युत चुंबक जो विद्युत के द्वारा बनाया जाता है, तो आगे चल के हम देखेंगे। तो ये चुंबक के बारे में, मैग्नेट के बारे में है, अगर जब तक मैग्नेट के बारे में आप समझेंगे नहीं तब तक मैग्नेटिक इफेक्ट को नहीं समझ पाएंगे। चुंबक के मैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है उसको समझने के लिए पहले मैग्नेट के चुंबक के बारे में जानना आवश्यक था। तो ये छोटी सी बातें हैं, जब 11th क्लास में चलिएगा, 12th क्लास में जाइएगा तो इसको डिटेल्स में बताया जाएगा। इतनी सी बात को आप पहले नोट करें, दिखाई दे रहा है ना वीडियो में, चलिए मिटाएं। चलिए ये अभी चैप्टर आपका शुरू नहीं हुआ, मेन चैप्टर है ना, ये प्रोग्राम शुरू होने के पहले जो भूमिका बना जाता है, सिनेमा दिखाने के पहले जो कास्टिंग दिया जाता है वही कास्टिंग है, अभी फिल्म चालू नहीं हुआ, देखो आज फिल्म चालू होता है कि नहीं। चलिए देखिए, दिखाता है ना कि डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, कौन कौन हीरो है, हीरोइनिया कौन है, वो तो जरूरी है लिखता ना, तो लड़का हाँ सर कहे। ये वीडियो भेज दे तेरा पापा भी, ये वीडियो उतना ही काट के क्यों। चलिए देखिए, अब देखिए मैग्नेट के विषय में तो आपने जाना कि मैग्नेट क्या है। मैग्नेट एक ऐसा लोहे का टुकड़ा है, ऐसा पदार्थ है जो किसी लोहे के टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। इसमें दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ एक साउथ। अब देखिए हर चीज का एक क्षेत्र होता है या नहीं, फिल्मों में देखते हो कहता है ओए ये मेरा एरिया, इस एरिया में मत घूमना, कहता है या नहीं। तो इसका भी अपना एक एरिया होता है, मान लो ये मैग्नेट है, ये थोड़ी देर के लिए मान लो इसको एक छड़ चुंबक है नॉर्थ एंड साउथ, इसका एक क्षेत्र होगा यहाँ पे, यहाँ देख ए लड़का बुड्ढा पब्लिक, यहाँ पे मैग्नेट रखते हैं कोई लोहे का टुकड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ लाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ जैसे ही लाए सुट से खींच लिया, नहीं सुट से खींच लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ तक इसका प्रभाव है। तो इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, इसका क्षेत्र, एरिया, कि यहाँ तक इसका एरिया है, समझ में आया कि यहाँ तक इसका क्षेत्र है, तो इसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, है ना। इसको क्या कहेंगे, कोई मान लो कि ये मैग्नेट है, ठीक, ये नॉर्थ एंड और ये साउथ है, फिटास, तो इसका एक क्षेत्र होगा, मान लो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अक्ष, एक्सिस, इसको क्या कहते हैं, एक्सिस, हिंदी में क्या होता है, अक्ष,
प्रधान अक्ष सबसे पहली बात। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, मान लो कि कोई ये मैग्नेट है रखा हुआ, ये है ना मैग्नेट है, इसका कुछ एरिया होगा क्षेत्र, ये एरिया हुआ इसका, ठीक। तुम लोग अपना नाप के खींचोगे, ये बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, न्यूनतम ये रेखाएं है ना। तो ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, एक लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। और जहां पे बल लगता है, यहां तक जो बल लगता है या अट्रैक्ट कर लाता है किसी बल के कारण, किसी फोर्स के कारण, वह बल कौन सा है, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, उसके द्वारा अपनी ओर खींच लेता है, तो खींचता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल। अब चुंबकीय बल जो होता है वह कहां और कैसे दर्शाएंगे, जैसे जैसे दूर भागते हैं वैसे वैसे चुंबकीय बल इसके बाद यह अट्रैक्ट नहीं करता है, नहीं करता है, तो इसकी एक सीमा हो गई, इस सीमा को हम क्या कहते हैं, इसके बाद के एरिया को इन्फिनिटिव। फिजिक्स क्या कहता है कि जहां तक मेरी पहुंच नहीं है उसके बाद का चीज इन्फिनिटिव हो गया, अनंत हो गया, ठीक है। तो ये देखो, जितनी नजदीक नजदीक रेखाएं होंगी वहां उतना ही चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग होगा। अब मान लो यहां पर रेखा कैसा है, नजदीक है, यहां पे क्या होगा, स्ट्रांग, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड है ना, चुंबकीय रेखा, चुंबकीय क्षेत्र है ना। और यहाँ पे देखो अलग अलग रेखाएं हैं, यहाँ क्या होगा, कमजोर, क्या होगा, वीक होगा ना, डब्ल्यू डबल ई के डब्ल्यू ए के है, डब्ल्यू डबल ई के कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हफ्ता, ये हफ्ता हो गया, तो हफ्ते ना होगा कि महीनवारी होगा, हो गया महीने महीने। तो ये बताओ ये जो है यहाँ पे वीक है या स्ट्रांग है, वीक है, है, और यहाँ क्या है, स्ट्रांग है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी नजदीक होगी वह वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग होगा। दैट्स ऑल पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यह कैसा है, इसको हम देख नहीं पाते हैं, यह काल्पनिक रेखाएं हैं, हम लोग कल्पना करते हैं कि एक रेखा होगा, इमेजिनरी लाइन। इस लाइन को क्या कहते, और हमेशा यह नॉर्थ ध्रुव से निकलता है और साउथ की ओर प्रवेश करता है, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में प्रवेश करेगा, कभी भी साउथ से निकल के नॉर्थ में प्रवेश नहीं करता है। ये निकला और ये गया, ये निकला और ये गया, इस लाइन को क्या कहते हैं, इमेज नरी लाइन, काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहाँ, हमेशा नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की ओर प्रवेश करेगा, जितनी घनी रेखाएं होगी उतना स्ट्रांग होगा चुंबकीय क्षेत्र। मान लो कि ये मैग्नेट है, इसके चारों तरफ यहां से भी लाइन निकला, यहां से भी निकला, यहां से भी निकला, यहां से भी, चारों तरफ से लाइन निकलता है, यह इमेज नरी लाइन होता है। दूसरी चीज, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। अगला प्रॉपर्टी जो आप पूछता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना। तो ये बनाना है तो आप बना लीजिए, नहीं बनाना है तो बोलिए, फटाफट इसको मिटाए, हम मिटा दें, ये समझ में आया ना। अब देखिए,
अब हम लिखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, जो चीज हम बताए हैं उसी को लिख देना है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, समझ जाइएगा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण। ठीक है, सबसे पहला गुण क्या होगा, सबसे पहला गुण क्या होगा बोलिए, अभी अभी तुरंत बताए हैं आपको, बताइए कुछ गुण। सबसे पहले ये रेखा, रेखा क्या होगी, दक्षिण ध्रुव से निकलकर, सॉरी उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, सबसे पहला। दूसरा में क्या होगा, ये रेखाएं, ये रेखाएं, ये रेखाएं कैसी होगी जी, काल्पनिक होती है, ये रेखाएं काल्पनिक, काल्पनिक आर्टिफिशियल नहीं, इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक होती है। तीसरा गुण क्या होगा, ये रेखाएं का मतलब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इस तीसरा क्या होगा, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है ना, डू नॉट क्रॉस इच अदर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट क्रॉस इच अदर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। और कुछ इमेजिनरी लाइन, और बोलो प्रॉपर्टी जिसकी, ये नजदीक है मजबूती से, देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा की निकटता, यानी चुंबकीय क्षेत्र अगर निकट निकट होगा तो वह किस चीज को दर्शाता है, निकटता चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को दिखाता है, यानी जितना नजदीक चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगा वह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रबल होगा, स्ट्रांग होगा, और जितना दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक होगा, यानी दुर्बल होगा। That's all. Any problem? अब again, I teach you magnetic effect of electric current. इसके बाद अब शुरू होता है किसका, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, टेलर समाप्त, फिल्म अब चालू होगा। तो चलिए इस टेलर को नोट कीजिए फटाफट, मिटाएगा, चलिए चलिए। अब देखिए हम आते हैं मेन मुद्दे पर, कास्टिंग खत्म, फिल्म ये वाला चालू। सबसे पहले 1820 ईस्वी में, 1820 के करीब एक फिजिसिस्ट थे ऑस्ट्रिक, कौन थे, ऑस्ट्रिक है ना, ऑस्ट्रिक नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, चुंबकीय प्रभाव पर अपना प्रयोग किया, उन्होंने
टेबल पर रख के कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ काम कर रहे थे, अचानक एक कंपास रखा हुआ था, कंपास जिसमें मैग्नेटिक है ना, जो दिशा को दर्शाता है, उत्तर ध्रुव निधिल, वहां रखा हुआ था, कोई तार बगल में था, उसमें करंट प्रवाहित किए तो अचानक देखे कि वह निधिल फ्लैक्चुएट करने लगा, विक्षेपित होने लगा, ऐसे ऐसे जैसे कुकुर को देखा है, एक कुकुर है ये, है ना, बैठा हुआ है, इसका पूंछ है, जैसे ही इसको रोटी का टुकड़ा दिखाओगे दुम को हिलाना शुरू कर देगा, रोटी का टुकड़ा दिखाया ऐसे ऐसे दुम हिलाना शुरू कर देगा, जैसे ही करंट पास करते थे उस तार में निडिल फ्लैक्चुएट करने लगता था, ऐसे ऐसे, ठीक है, फ्लैक्चुएशन उसमें होने लगता था। तो फ्लैक्चुएशन होने लगा तो उन्होंने क्या समझा, उन्होंने क्या किया कि मान लो कि ए बी एक तार है, ठीक है, और यहाँ पे एक कंपास रखा हुआ है, ये क्या है, कंपास, इसमें क्या है, नीडिल है, ये नीडिल है, कंपास का नीडिल है, हाँ, चुंबकीय सुई है, इसको बना सकते हो तुम, चुंबकीय, ये नीडिल है सुई, और जैसे ही इन्होंने इसमें क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है, यहाँ पे एक स्विच उन्होंने लगा दिया, ठीक है, यहाँ स्विच है, विद्युत धारा आई, करंट प्रवाहित किया, जैसे ही स्विच को दिया ये निडल क्या करता है, फ्लैक्चुएट करने लगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, हिलने लगा, क्यों हिलने लगा, ये चुंबक है, चुंबकीय सुई है, और कोई दूसरा क्षेत्र चुंबक आएगा तब तो वह अट्रैक्शन या रिपल्शन करता है, कि लोहे के टुकड़ा से कर देगा अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन नहीं होगा, विक्षेपित नहीं, जब तक दो मैग्नेट नहीं होगा तब तक उसमें विक्षेपण नहीं होगा, और फिर क्या किया, एक बार विद्युत धारा इधर से प्रवाहित किया तो ये निडिल उल्टे दिशा में, उल्टा दिशा में ऐसे चलने लगा, ये क्या हुआ, विद्युत धारा। तब उन्होंने अपना एक लॉ दिया, नियम दिया, बनाया, क्या कहा कि किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या होता है, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है, किसी भी चुंबक, किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, बनता है, तब तो अगर इसमें करंट प्रवाहित किए चुंबकीय क्षेत्र बना तब तो ये निडिल फ्लैक्चुएट करने लगा, क्योंकि ये चुंबकीय निडिल है, चुंबकीय सुई है, अगर दूसरा चुंबक नहीं आया तब तक ये फ्लैक्चुएट नहीं करता है। तब उन्होंने अपना एक नियम दिया, क्या नियम दिया है, ऑस्ट्रेड के अनुसार उन्होंने क्या कहा, किसी चालक में, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, उसके चारों तरफ, क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, दिखता है, किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके इर्द गिर्द यानी चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव दिखता है। उन्होंने अपना नियम दिया, उसके बाद आगे क्या क्या होता है अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, क्योंकि टाइम ओवर हो गया, ठीक है, सर इंतजार कर रहे हैं अगले क्लास का, तब तक इसको नोट कर लीजिए।